उसके लिए मैंने ले लिया है, बना लेती हूँ फेस में ताकि कबूतर की आवाज सुनाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारा कबूतर रहते हैं मेरे बगल वाले, इतना आवाज क्यों आता है देखो, पूरा सोख हो गया इसमें से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फर्स्ट टाइम अपने बैल्कनी में शूट कर रही हूँ। आज मैं एक अलग तरह की वीडियो बनाने वाली हूँ जो सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, स्क्रब रब चैलेंज। तो वो चैलेंज मैं भी एक्सेप्ट करने वाली हूँ। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा स्क्रब रब चैलेंज। तो पहले बता दूँ ये स्क्रब रब चैलेंज क्या होता है। आपको आपके फेस के एक पोर्शन पे, सॉरी बात बहुत आवाज आ रही है, तो आपके फेस के हाफ पोर्शन में आपको स्क्रब करना है और दोनों साइड के डिफरेंस दिखाना है कैमरा के सामने। तो वही मैं करने वाली हूँ। 3 दिन हो गया था स्क्रब नहीं किया है, मैं वीकली 2 टाइम स्क्रब करती हूँ, सबको करना चाहिए। तो वही मैं आज करने वाली हूँ। तो सोचा कि ये स्क्रब रब चैलेंज क्यों ना हो जाए। सब लोग ममाअर्थ के स्क्रबर से कर रहे हैं, बट मेरे पास अभी नहीं है ममाअर्थ के स्क्रबर्स। तो मैं यहाँ पे अल्स गुडनेस का गोल्ड स्क्रब ले रही हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली परचेज किया है और एक बार इसका डेमो भी मैं दिखा चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं ये स्क्रब रब चैलेंज के साथ मैं ये स्क्रब रब चैलेंज के साथ आपको एक DIY भी सिखाने वाली हूँ, जो कि है होममेड शीट मास्क के ऊपर। मुझे बहुत सारे कॉलेज गोइंग गर्ल्स के कमेंट्स आए हैं कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इतना कॉस्टली शीट मास्क परचेस करने में, जो कि 99 रुपीस का है। सारे जो शीट मास्क मिलते हैं अलग अलग ब्रांड का, कोई भी अंडर 50 या अंडर 40 नहीं है, सारे 100 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक होममेड शीट मास्क बनाया जाए, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो और रेगुलरली यूज़ भी कर सकते हो। तो आज का पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रब रब चैलेंज। उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे गर्म पानी, क्योंकि मैं गर्म पानी से स्क्रब करती हूँ आपको पता है, और मैं मेरे फेस को थोड़ा सा गीला कर दूँगी। हाफ फेस में मैं लगाने वाली हूँ। ये स्क्रब तो पता ही आपको कैसा है। अभी मैं एक लाइन बना लेती हूँ फेस में ताकि दूसरे साइड में ना आए। और आज का वीडियो एक अनकट वर्जन होने वाली है बिहाइंड द स्क्रीन, तो मैं कोई भी पोर्शन कट नहीं करूँगी। कबूतर की आवाज सुनाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारा कबूतर रहते हैं मेरे बगल वाले, तो इसीलिए बहुत आवाज आती है। तो 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट से ज़्यादा तो स्क्रब करना है नहीं, सॉरी 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट से ज़्यादा आपको स्क्रब करना है नहीं। कोई भी स्किन टाइप 2 मिनट से ज़्यादा स्क्रब मत करना, इससे पोर्स बहुत ओपन हो जाते हैं। तो मैक्सिमम 2 मिनट्स करना, ओके। अभी मैं इसको वॉश करके आती हूँ, आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, फिर मैं फुल फेस पे स्क्रब कर लूँगी। तो मैं स्क्रब करके आ चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ मेरे फेस को। आप डिफरेंस देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, एक्सफोलिएट लग रहा है स्किन, इधर से इधर तो थोड़ा सा पिंपल हुआ है, बट फिर भी इस ये साइड बहुत ही ग्लोइंग लग रहा है, स्मूथ। मैं फील कर सकती हूँ कि यहाँ पे डेड सेल ज़्यादा है, यहाँ पे डेड सेल एकदम ही नहीं है। आप जितना भी अपना स्किन केयर करो, डेड सेल हो जाते हैं स्किन में, सबका होता है, किसका ज़्यादा और किसी का कम होते हैं। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन ज़्यादा है ना, इसीलिए। और ऑयली स्किन की वजह से मेरा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। तो यही था मेरा आज का स्क्रब रब चैलेंज। तो आपको अभी दिखाते हैं कि कैसे होममेड शीट मास्क बनाते हैं। तो मैं इन्ग्रीडियंट्स को लेके आती हूँ, इसलिए आपको दिखा दूँगी।
तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है। ये शीट मास्क बनाने के लिए रोज़ वाटर जो कि मैंने लिया है, अल्स गुडनेस का विटामिन ई कैप्सूल, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा हनी, और यहाँ पे मैंने कुछ सीरम्स लिए हैं जो कि है यहाँ पे गुड वाइब्स का टी ट्री पपाया सीरम, एंड यहाँ पे लेमन सीरम एंड एसेंशियल ऑयल, एंड यहाँ पे पिपरमेंट एसेंशियल ऑयल, और उसके साथ मैंने लिया है रोज़ ग्लो टोनर जो कि है गुड वाइब्स से। तो ये सब मैं मिक्स करके अभी दिखाने वाली हूँ। इसमें है हनी, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। इसमें मैं रोज़ वाटर ज़्यादा करके ऐड करूँगी, और मेरा एक नया वाला रोज़ वाटर आ रहा है इसीलिए ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको यूज़ करूँगी। अभी मैं ले रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल, सॉरी सीज़र लाना तो भूल ही गई, रुक जाओ थोड़ी देर। मैं एक फुल विटामिन ई कैप्सूल दे रही हूँ इसमें। अभी मैं इसमें एसेंशियल ऑयल दूंगी। अभी मैं लेमन एसेंशियल ऑयल दूंगी, ये ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बना लिया है ये सीरम, तो इसके अंदर मैं डैब करूंगी जो मेरा, पहले बता दूं क्या डैब करने वाली हूँ, शीट कहाँ से आएगा। जो शीट मैं यूज़ करती हूँ NYB का और गुड वाइब्स का कोई भी हो, मैं उसको यूज़ करने के बाद ठीक से धो के उसको सुखा के रख देती हूँ ताकि मैं उसको ये होम DIY में यूज़ कर सकूँ। तो उसी को मैंने रखा है बचा के, तो वही मैं यूज़ करूँगी। बट शीट कहाँ है, शीट तो लाना भूल ही गई, दो मिनट रुक जाओ लेके आती हूँ। ये है वो शीट जो मैंने यूज किया था लास्ट डे, इतना आवाज क्यों आता है, ये मैंने यूज किया था, तो मैं इसी को इसके अंदर डुबा दूंगी। फोल्ड करके इसमें डुबा दूंगी तो सारा लिक्विड सोक हो जाएगा इसमें, हो रहा है, हो भी गया ऑलमोस्ट। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये हनी शीट मास्क हो गया, स्मेल भी काफी अच्छा है, पिपरमेंट का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें से। देखो पूरा सोक हो गया इसमें से, और एकदम जैसा रियल में होता है वैसा ही हो गया। अभी मैं इसको फेस में लगाऊंगी, देखो मैं कैसे इसको लगाती हूँ, हनी वाला फ्लेवर। ठीक से एडजस्ट कर लेना, देखो सेम ही है जैसा मैंने यूज किया था खरीद के वैसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, अपना बनाया हुआ है, होममेड है, देखो वैसा ही सिरम ही है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ये एक DIY हो गया। थैंक
30 मिनट्स रख लेना अपने स्किन पे, फिर इसको वॉश कर लेना। देखो ऑलमोस्ट हो गया। अभी मैं मिरर देख के थोड़ा सा ठीक कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये पिपरमेंट से ना बहुत आँख में बहुत इसका जो पिपरमेंट से ना मेरा आँख बहुत ठंड लग रही है, तो मैं आँख खोल नहीं पा रही हूँ। मैं इसको मिरर पे देख के एडजस्ट कर लेती हूँ, तब तक आप भी बनाओ ये, और मिलते हैं आफ्टर ट्राइंग दिस DIY फेस मास्क। जब तक ये फेस मास्क सूख जाए तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा गाना सुन लेती हूँ। आग पे चला गया मेरा पिपरमेंट। तो अभी मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, तो थोड़ा सा लाइट बंद कर दिया है, फैन चला दिया है, थोड़ा सा सोफा पे लेट के रिलैक्स कर लेती हूँ। तब तक ये सूख भी जाएगा, और डायरेक्ट फैन का हवा इसमें लग रहा है, तो बहुत ही कूलिंग फीलिंग हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। बहुत रिलैक्सिंग मास्क बनाया है मैंने, शीट मास्क, बहुत ही रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग शीट मास्क बनाया है मैंने। तो सूख जाने देते हैं इसको, मिलते हैं अब ट्राइंग दिस शीट मास्क। मेरा ड्राई हो चुका है ये शीट मास्क, अभी इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ड्राई हो चुका है, मैं इसको भी ठीक से धो के रख दूंगी ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको यूज कर सकूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऐसा वाला जो टिश्यू मिलता है ना, वेट टिश्यू वीडियो में।